बाइक राइडिंग और बाइक पे पीछे बैठना दोनों ही टफ है। गाड़ी कंफर्टेबल है बट गाड़ी में इतना लेट हो जाओगे हद से ज्यादा। लेकिन ये है कि जैसे जैसे और ऊपर चढ़ेंगे ना थोड़ा सा अभी थकान नहीं है, लेकिन यार कि बाइक राइडिंग ना बहुत इजी नहीं है इन रोड्स पे। इसके तरफ करिए कैमरा, नुके भी थकान नहीं है, पिछवाड़े हैं लुटका के बैठा तू तो फिर भी बहुत कंफर्टेबल सीट पे बैठा। मैं जहाँ बैठा ना मेरे पैर सिर्फ नीचे इतने टिक रहे हैं, पैर आगे ही उलट के हुए, ये दर्द कर रहा है। बैठा गाना भी पीछे है जब पता चल जाएगा। बस करके आ जाना किराए पे अगर जाएगा। अब मैं ड्राइव करूंगा देख कैसी बस करेगा तू। पर मुझे लग रहा है कि बस से ही चलना चाहिए हमें, कोई टेंशन ही नहीं। बस से नहीं उधर उधर करके मजा, इससे चलेंगे इससे चलेंगे इससे। अब एक टी ब्रेक के लिए आगे रुकेंगे जब मैं इशारा करूंगा, ये वाला करूंगा। अब ना इसके बाद ना पेट्रोल लेना है कैन में। अच्छा टांडी में ठीक है, चल दिया। हाँ चल दिया बस। ये तुम छुपा के रख रहे है क्या? छुपा के तुझे पता ही नहीं, तू डाल रहा है। ये तो एक खेली बन गया व्लॉग में। वही तो, अब तो मैं गायब होने वाला। जैसे ही अटल टनल क्रॉस करो आपका पूरा का पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है, पूरा आपके पेड़ आपके पहाड़ सब चीजों में बहुत बड़ा चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अभी ये जो पूरी ग्रीनरी है ये सब खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, पूरा पत्थर में चेंज हो जाएंगे सारे पहाड़। यहाँ पे लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं। गौ माता। तो हम तो भाई यूपी से आए हैं, हमने तो खाली बर्फ अपने फ्रिज में देखी है, तो यहाँ तो हम इतनी सी देख के खुश हैं। तो पत्थर शुरू हो चुके और यहाँ शायद ये टूट वूट की होगी ना, या ये कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दीवार को। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ों के बीच में छोटा सा ग्लेशियर सा तो पहाड़ वाला दिख रहा है मुझे, ग्लेशियर है बस यूं सफेद चादर सी है भाई। आज हमने सनसेट देखा अपनी आंखों के सामने, ये वो सिर्फ पहाड़ के पीछे छुपा उल्लू ही बना रहे। ये है टांडी में लास्ट पेट्रोल पंप, इसके बाद सीधा 350 किलोमीटर दूर लेह में मिलेगा। वैसे तो हमारे बाइकों के टैंक फुल ही हैं, ऑन करियो। इसका भी फुल है और अर्शवाली में से तो छलक ही रहा था अभी तो। अभी तो ये कैन फिल करानी है, कैन दोनों कैन उसकी बाइक में गए, इस बाइक पे गए, ये दोनों फिल करानी है और बाइक में पूरा पेट्रोल 100 रुपए का वगैरह डलवा लेंगे, 100 रुपए का भी। यहाँ पे पूरे अच्छे से मेंशन कर रखा है नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन 365 किलोमीटर अहेड। वैसे तो हमारी बाइकों का टैंक 15 लीटर है जिसमें शायद 13-14 लीटर बच रही, और हमारी बाइक हर एक लीटर पे 20-25 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। 27-30 का दे रही थी अभी तक, 27-30 का दे रही थी अभी, मतलब 25 का लगा ले चल दो। ऊपर जाएंगे तो हो सकता है एवरेज चेंज हो जाए, बट अभी तक जो एवरेज दिखा रही है वो प्रॉपर वो 27 और 30 का है। 25 × 15 अगर 25×125 375 तो बड़ी इजीली हम शायद अपने बाइक के टैंक में ही पहुंच जाएंगे। मुश्किल है, हमें लूज पेट्रोल की जरूरत भी ना पड़े। हाँ शायद हमें लूज पेट्रोल, लेकिन फिर भी सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लो भैया, ऐसा ना हो बाद में कहीं से मांगते फिर हो जाए। और यहाँ पे मुझे जो गाड़ियाँ पेट्रोल भरवाने आ रही उनसे ज्यादा जो गाड़ियाँ पेट्रोल भरने आ रही वो खड़ी है। 3 पेट्रोल की बड़े बड़े ऐसे जो जा रही है ना ट्रक, ऐसे बड़े बड़े ट्रक तो हमने ही ओवरटेक किए 3 पेट्रोल के। यहाँ डिमांड कुछ ज्यादा ही आई है। ग्रीनरी तो देखो बिल्कुल लगभग खत्म ही हो गई, ग्रीन पहाड़ सब खत्म होने शुरू हो गए। आगे है एक दो, ये हैं, ये शायद हमारे रास्ते में पड़े भी ना। यहाँ से तो बिल्कुल मतलब पत्थर शुरू ही हो गए, मुझे एकदम से ऐसा आया एक झटका तो कि हरे पहाड़ों से सीधा पत्थर वाले पहाड़। आगे आगे ले सरचू जितना होता जाएगा खत्म होता जाएगा, सबसे ज्यादा सरचू ही है बीच में, जहाँ वो बता रहे थे कि सरचू के ना 50 किलोमीटर इधर ना 50 किलोमीटर उधर कोई प्लांट नहीं सरचू में। इसीलिए तो उन्होंने सरचू में रुकने को मना किया था कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो सरचू नहीं रुकने के। हमारा आज का तो पॉइंट है भैया जिस्पा, जहाँ पे हम पहुँचने वाले लगभग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, और अगर ब्रेक लेंगे तो थोड़ा शायद डिफरेंट पड़े। 730 इनका हुआ, 730 आपका हुआ। ठीक है, 730 का बाइक प्लस कैन और 730 ही हमारी बाइक प्लस कैन। हाँ तो वो बात बीच में रह गई थी, जिस पास हम डायरेक्ट मारेंगे फिर 350 किलोमीटर ले, कल हम बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, कल फिर पूरा ट्रैवल करके हम ले जाएंगे बीच में, क्योंकि सरचू में जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम है, तो हम इसलिए जिसपा में रुकेंगे और सरचू वगैरह हम सीधा राइड करके निकल जाएंगे। अगर वहाँ कुछ देखने लायक हुआ तो देख लेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और कैन वैन सब सेट है सब कुछ, और मैं तो यही चाहूंगा कि हमें यूज ना करनी पड़े। अगर ना हुई जाते हुए यूज तो फिर आते हुए थोड़ा खाली टैंक लाएंगे 5 लीटर की कैपेसिटी के लिए,
ये पेट्रोल भी तो वसूल करना है या बेच देंगे भाई? अगर पेट्रोल यूज ना हो तो बेच देंगे क्या? बेचोगे फिर आप या 5 लीटर थोड़ा कम करके लाओ। मैं बता रहा अगर पेट्रोल यूज ना हुआ ना तो उसे छिड़क के। वैसे मेरे पे एक आइडिया है, ले मैं पेट्रोल सस्ता वहां से भरवा के दो कहनी मनाली में बच्चे ला के 20 रुपए पड़ेंगे। तुझे बताऊं दुनिया कितनी छोटी होती है। अभी एक ब्लैक गाड़ी खड़ी थी ना यहाँ, वो जो लड़के मिलने आए थे, वो जो मेरा रूममेट था रोबिन कॉलेज में, उसके साथ के बंदे थे, मतलब उसके घर के जस्ट पास के उसके बेस्ट फ्रेंड बचपन के, और वो आने वाला था इस ट्रिप पे। देख ले भाई दुनिया मतलब कितनी छोटी है। एक दिन मैं देहरादून में था ना, तो तेरा रूममेट मुझे मिला और उसने मुझे रोका, लक्ष्य चौधरी भैया रखा गया मगर नहीं। कौन था? तिवारी। तिवारी 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 बोलना के तिवारी मिला था हमें रात को 2 बजे की बात, रोक के कहा उसने। इस सबसे मुझे लग रहा है दुनिया कुछ ज्यादा ही छोटी है। अब तक तो मजा आ रहा है। तू बता तेरी क्या कंडीशन है यहाँ तक? हम कितने किलोमीटर राइड कर दी हमने? हमने ट्रिप लगाई ट्रिप लगाई है हमने 81 नहीं ये है 20 किलोमीटर घटा ले इसमें 61 हमने 61 किलोमीटर राइड कर दिया। तेरी कंडीशन क्या है? मेरी तो फ्रेश है। तेरी फ्रेश है पर भूख लग रही है, मैं कहीं खाना चाहूं। सेम तेरी? अच्छा मुझे लगा भूख की तरफ ही कर रहा हूँ। मुझे भी मेरा सेम ढाका वाला हाल है, मुझे भूख बहुत लग रही। चलो जिस पा मिलते हैं। बॉनफायर में बजेगा कुछ खाने को ना मिला जहाँ पे तुमने सस्ते से टैंक बुक कर रखे हुए, मतलब इन जा रहा है टेंट ऑन टोंट नहीं टेंट। हमारे ऊपर धूल चढ़ चुकी, मेरे हाथ देख, ग्लव्स इसलिए जरूरी हो अभी ना, ये ना एक चीज से वंचित है, ये पैंग से वंचित है। अभी क्या है वहाँ? ये तिब्बती फ्लैग भी लेके लगाना बाइक पे। मैं तेरी बाइक थोड़ी है, मालिक ने बहुत मारा जाती भाई कहीं ट्रिप आया और मुत्ते ना कहीं जा गया, ऐसा थोड़ी हो सके। संडास करीब भी तो देना ही पड़ेगा। देखना कहाँ तक है यार घर, देखो कहाँ तक है। ये किसी की पहली मंजिल है और वो किसी की तीसरी मंजिल है, ये तो बड़ा फैक्ट है। ये देख क्लाउड चेजर मुतने में देता ढंग से। आ जा फिर अभी मुत्ते में शॉट ले लूंगा एक। आ जा। ये टॉयलेट अगर किसी नोएडा के फ्लैट में होता ना तो 1 करोड़ का होता, पता क्यों? बता यहाँ से जी आपके सिर पे पहाड़ों की हवा लग रही। मैं तो यार दिन में 20 बार जाता हूँ, 20 बार ही जाता है। मैं तो चुतड़ वहीं लगा रहा हूँ उसी जगह। मुझे अभी रियलाइज हुआ बालियान ने करवाया कि व्यू के मजे ले रहे। मैं बैठा इस साइड घूम, मेरा नीचे का व्यू देख, तेरे पीछे का नीचे का नीचे का। वाह ये व्यू तो तुझे मैं अपनी छत से दिखा दूंगा रोज। यहाँ क्यों आया? छत ही महसूस हो रही मुझे, 2 टैंक रखे उससे। जब ऐसी चीजों के बीच में हो ना रियलाइज नहीं होता, और फिर जब चले जा नोएडा फ्लैट पे बेड पे पड़ा रहूं ना मैं, जब रियलाइज हो क्या था। क्या नाम था इस डिश का? थुक्का। थुक्का थुक्का थुके ला दे के नीचे से। ओ पंचलाइन चुरा ली कहने में ही था, दिमाग से करे अब तो, दिमाग से दिमाग कोई बढ़ा के ले लूं ब्लूटूथ से। ये लड़के के काफी गुण है, जैसे कि वो खाना नहीं बचन देता, जैसे धोनी भी जाती भैंस गए ये धोनी भी है सबका। योग बहुत खतरनाक साइन हो भाई, यूं कंटे चम्मच एक दूसरे के ऊपर टेक देने। और अब शाम ऐसी हो गई कि अच्छी खासी राइड रह रही, 40 मिनट की राइड रह रही है। अच्छा सिंगल गो में करेंगे वैसे तो पूरी। केलोंग में काफी वक्त बर्बाद करने के बाद और बालियान से बस पिटने के इतने नजदीक है इस टाइम, बालियान तो अब हम निकल रहे हैं जिसपा के लिए। अब सीधा वहीं पे मारेंगे। क्या मारेगा वहाँ पे जाके? वहीं पे मारेंगे बता। जिसपा में जस्ट अभी हम लोग एंटर हो गए और ये कुछ नज़ारे हैं जिसपा के कैंप्स के और जिसपा के रास्ते। हमारा कैंप यहाँ से कुछ 5 मिनट दूरी पे है। आज पूरा जिसपा एकदम पैक्ड है, कोई भी कैंप अवेलेबल नहीं है क्योंकि जून का शायद आखिरी वीकेंड है। हम अपने कैंप पे पहुँच गए फाइनली, कोई स्टे पॉइंट मिला हमें। अब एक बार फटाफट टेंट देख के पूछ लो भाई डिनर किस टाइम है, क्योंकि आई कांट वेट। यस ब्रो यार एक चीज बता दूं, मनाली से जिसपा तक का जो वो है ना रूट, हाँ, हाँ। अगर कोई ले भी ना जाएगा ना एक बार तो जरूर जरूर किसी वीकेंड पे भी कवर करो वही। You'll love it. बहुत छोटा रूट है ये, इतना ज्यादा बड़ा नहीं। बहुत छोटा इजी रूट है, यहाँ तक तो कोई भी आ सकता है, चाहे आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो या आप एक कावड़ हो। भैया हमारे कैंप दिखा रहे हैं, देख लेते हैं भैया कहाँ पे है। पूरा कैंप एरिया है और ये शायद कॉमन एरिया है जो बुफे वगैरह का है। यार बहुत ही बढ़िया लोकेशन है और बहुत ही बढ़िया कैंप्स है। खोपचे का कैंप दिया रहेगी ना मैं तो। हाँ बताओ, बालकनी भी है अपनी, अपनी लोबी है ये अपनी है क्या? हाँ अपनी है, यही नहीं बैठू अभी आ गया। ये और इसके साथ वाला है ना, ये दो कैंप है ना। चलो अपने पास अब 2 सॉकेट हो गए क्योंकि हम एक्सटेंशन तो भूल गए। भूल गए अरे ये बात कोई कह रहा था कि हम भूलेंगे। अक्षित मेरे मार्केट में आ गया लेकिन मुझे पता भी, हाँ एक्सटेंशन तो मिलने नहीं मिलने वाली। वॉशरूम तो डैम गुड है तो इसलिए पूरी रात उठ के ना एक एक चीज चार्ज करियो। मैं बता रहा ना पहले फोन चार्ज कर ले फिर गोप्रो चार्ज करेंगे, बाकी पावर बैंक अपने चार्ज आई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेह में ले लेंगे। लाइट तो यहाँ पे 24/7 रहती होगी, लाइट का कोई इशू नहीं है। रात में तो रहेगी ना? रात में तो रहेगी ठीक, क्योंकि चार्ज वार्ज करनी है चीजें। आओ भाई
अपना बाइक से सामान अनलोड कर ले। अक्षित भाई बूट्स में बोतल लगने ये स्टैंड था, स्टैंड है वो पूरे रास्ते चली की तक नहीं, चाय चाय की केतली रख के चल रहे। तो ये पियोगे तुम पानी अब? तो क्या दिक्कत है पानी की? कौन सा बेटी सड़ा अंदर चली गई, पी के दिखाओ। गलत लोगों के साथ ही है। सॉरी गाइस बताना भूल गया, यहाँ पे बुफे सिस्टम है जैसे कि कैंप्स में रहता ही है, वैसे ही सब चीजें सिर्फ दिखाने को, अभी चाय अवेलेबल नहीं है। और क्या था हमारे पास? राजमा, आलू, चावल और चपाती और साथ में सैलेड्स। लेकिन खाने खाने की फील घर जैसी है, बस कुछ पीना का नहीं है, गले में फंस गया। हॉस्टल जैसी है सच बता रहा हूं। वैसे की मम्मी बैठी है अंदर जो बना रही है, और पानी बस ठंडा और गर्म अवेलेबल है, मतलब पीने के नाम पे पानी। ये पड़ोस की बात चीज है, तुम्हें पानी ऑफर नहीं हुआ पर इधर वॉकिंग को। मैं उसे गर्म पानी की टंकी सीखू ना चाय की समझ रहा था, मजा आज तो मजा आया खाने के साथ, 2 किलो चाय मिलगी। हॉस्टल में ऐसे ही रहे ना, हमने भी खूब पिए मग, में बड़े वाला मग लाऊ था जिसमें नीचे चाय जमी रहती थी क्योंकि धोए नहीं कभी, साफ तरह पानी में जगोल के रख दी। तो वही बात कर दी, रिलेट कर देंगे लोग कमेंट सेक्शन में। इस बार एक वो बना दूंगा रील, वैसे भी मैं ऐसी रील बना रहा जो फ्लॉप जा रही सारी। टॉक्सिक बॉयफ्रेंड बना दे, वो मैंने कहना एक वीडियो चली गई ना तो उस पे, और उसमें मेहनत भी नहीं लगती ना, मेरी टॉक्सिक बॉयफ्रेंड लगती, नेचुरल कैरेक्टर निकल गया। ये देखो अब पता लग रहा है तुम्हें, तुमने क्या मिस कर दिया दोनों ने, दो बुलेट की जगह 3 आ रही थी, 3 हिमालयन। अरे ये देखता कैंप कहीं मिल जाएगा यार, दो लड़के ऐसे बैठे ठंड में, तम गर्मी में एसी चलाओ बैठे, और यहाँ दो लड़कों ने मोज बांध रखी। यहाँ तो 4 हैं, 4K लाज गुच्छा है पूरा, आधे दर्जन में तुल जाएंगे। वहाँ जो तुम करने जा रहे हैं वो इसके बिना पूरा नहीं है, जब लोग इन देख पाने के, तो बताओ ये कच्ची मार दी यार। बस एक ही चीज का तुम कहते, हिमालयन पे सैर सपाटा था बस, बट ढेर सेक्सी चल रही रची। और मैं लोगों को बता दूं कि ज्यादातर वीडियोस इन सारियों में सिर्फ एक वीडियो आई हर्ष ने जो एडिट करी, बाकी सब रे कर रहा, वहाँ से एडिट हम इसे ड्राइव पे भेज रहे, तो कमेंट सेक्शन में रे की तारीफ होनी चाहिए। अब लिख दे, वो टाइम आ गया जब तुझे डायरेक्टेड बाय रे लिख देना चाहिए। हर वीडियो के बाद लिख दूंगा, तो मैं ऐसे कहता चैनल पे लिख दूं डायरेक्ट नाम, कोई नहीं मैं खोट आ गया अगर। इतने तो मास है, इतने तो मैं चैनल ही ना मिला अगर। कई सारे बैग एक साथ पैक हो जाएंगे, तेरा तो हो ही जाएगा, बेरोजगारी में हमारा भी हो जाएगा। ले लो भाई मौज ले लो। चलो भाई कंटेंट तो निकलेगा, ठीक है।